किडनी मानव शरीर का अहम हिस्सा है, जिसको स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है जितना आपको जीने के लिए सांसें लेना। कई रेयर केसेस में किसी के शरीर में 3 और किसी के शरीर में 1 किडनी भी होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ 2% हो सकता है। खैर, इन सभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी किडनी का ध्यान कैसे रखते हैं। किडनी का ध्यान रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें और कुछ घरेलू उपायों को अपने जीवन में जगा दें। इससे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और इसके साथ ही आप बेहतर जीवन भी जी सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको बताएंगे कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों की जानकारी देंगे जिसके बाद आप अपनी किडनी को ठीक रख सकते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करना होगा जो आपका शरीर आसानी से पचा सके। ध्यान रहे, किडनी एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में खराब नहीं होती। किडनी खराब होने में बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किडनी अचानक से काम करना बंद कर दे। जब ऐसा होता है तो शरीर की इस स्थिति को अक्यूट किडनी खराबी कहते हैं। किडनी में कोई भी खराबी आती है तो उसका जिम्मेदार हमारा आहार और हमारी अनावश्यक जीवन शैली होती है। जब हम सही आहार नहीं लेते तो इससे हमारा शरीर कमजोर होता है। उस पर अधिक तेल मसालेदार खाना हमारे शरीर में क्रिएटिनाइन के स्तर को बढ़ा देता है। यह आपकी किडनी में खराबी करता है, क्योंकि ऐसा आहार पचाना थोड़ा मुश्किल होता है और जब खाना ठीक से पचता नहीं है तो ऐसा खाना बॉडी में क्रिएटिनाइन को बनाता है। इससे न सिर्फ आपकी किडनी बल्कि आपके शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करें जो आपकी किडनी को अंदर से साफ करें, जिससे आपकी किडनी अपना काम आसानी से कर पाए। आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। किडनी को अंदर से साफ रखने के लिए नींबू का सेवन काफी लाभदायक होता है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। अगला है नारियल पानी। नारियल पानी आपके शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण मौजूद होते हैं, जो आपको यूरिन संक्रमण के खतरे से दूर रखते हैं। इससे आप किडनी संक्रमण की समस्या से दूर रहते हैं। नारियल पानी का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, साथ ही इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और आपके शरीर में गंदगी जमा नहीं होती और आपकी किडनी ठीक रहती है। इसके साथ ही आप अदरक को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अदरक की चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी किडनी अंदर से साफ होती है। अदरक में क्लोरीन, आयोडीन, विटामिन और कैल्शियम के गुण होते हैं, जो आपकी किडनी को न सिर्फ डिटॉक्स करते हैं बल्कि ये आपकी किडनी को संक्रमण से भी बचाते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में दही को जरूर शामिल करें। किडनी को साफ रखने के लिए दही एक अच्छा और बेहतर विकल्प है। दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखते हैं। दही का सेवन आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, जिससे आपका लिया आहार जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपके शरीर में क्रिएटिनाइन का स्तर नहीं बढ़ता और आपकी किडनी ठीक रहती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में लाल अंगूर को शामिल कर सकते हैं। लाल अंगूर में विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम सही मात्रा में होते हैं, जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए लाल शिमला मिर्च भी काफी लाभदायक है। इसमें पाए जाने वाले फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में काफी मददगार हैं। इसके अलावा रोजाना सही मात्रा में पानी पिए और कुछ पोटेशियम युक्त फलों को अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ऐसे फल आपकी किडनी को अंदर से साफ रखते हैं। फल जैसे अंगूर, संतरा, नींबू, ब्लूबेरी, ये सभी फल सिट्रिक फल होते हैं, जिनमें अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इन सभी फलों का सेवन आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, जो आपकी किडनी और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो ये आपको किडनी की सारी समस्याओं से दूर रखता है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी खराबी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं,
जिसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी किडनी एकदम स्वस्थ बनी रहती है। इसके साथ ही इस उपचार में आपको डायलिसिस जैसे दर्द को भी नहीं झेलना पड़ता और न ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट के महंगे खर्च को उठाना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।